हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जे के लेटेस्ट इन्फो दिस इज़ अरूसा सईद लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कास्ट सिस्टम के बारे में ठीक है जी कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में जब हम लोग बात करते हैं वो हमने देखा था कास्ट क्या होता है उसके कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ा था साथ ही साथ फीचर्स हमने देखे थे कास्ट सिस्टम ओके okay. okay. तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज चेंज इन द कास्ट सिस्टम ठीक है ओके okay जी चेंजेस जब हम देखेंगे कास्ट सिस्टम में जो है क्या चेंजेस आई हैं यानी जो हम लोग देखे हैं कि कास्ट सिस्टम जो इंडिया का इस टाइम माना जाता है ठीक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरगल पार्ट है यानि कास्ट सिस्टम जो है मैंने आपको बताया था डिफरेंट कंट्रीज में भी पाया जाता है ठीक है लेकिन अगर हम लोग देखेंगे परफेक्ट एग्जाम्पल परफेक्ट इंसिडेंस का सिस्टम का जो है वो हम लोग इंडिया में देखते हैं तो ये का सिस्टम जो बना है इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ठीक है इसकी बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है ठीक है ये समझने के लिए कि ये सिस्टम आया कैसे है अभी तक मतलब जो है मतलब जो सिस्टम आज ये बना है ठीक है आज का जो ये सिस्टम है जितना भी ये बना है आज जैसा ये बना है हम लोगों को थोड़ी इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है इसकी ओरिजिन देखने के लिए यानी ये जो है ओरिजिनेट कहाँ से हो गया ठीक है इसका ओरिजिन देखने के लिए ठीक है ओरिजिनेट कैसे हो गया उसके बाद इवॉल्व कैसे हो गया आगे आगे प्रोग्रेस कैसे हो गई इसमें और ग्रोथ कैसे हो गई ठीक है ओरिजिन इवॉल्व uh, कैसे हुआ और जो है ग्रोथ कैसे हो गई का सिस्टम की हम लोगों को ये जानना अगर हैं तो हमें इसमें जो है ये चीज़ें देखनी है ज़रूरी ठीक है ओके तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जैसे मैंने आपको बोला ऑरिजन इसकी जो है ऑरिजन ऑफ कास्ट सिस्टम हमने देखा कि डिफरेंट थेरीज़ है जैसे रेशियल थेरी है पोलिटिकल थेरी एवोल्यूशनरी थेरी ठीक है डिफरेंट थेरीज़ है डिफरेंट लोगों ने बताया है कि हाँ जी इस वजह से हुआ उस वजह से डिवाइन ऑरिजिन ट्रेडिशनल थेरी भी है किसी ने बोला गॉड ने ही बनाई ठीक है गॉड ने ही बनाया है हम लोगों को स्क्रिप्चर्स में इसका सब कुछ मिलता है ठीक है तो ये जो डिफरेंट थेरीज़ हैं ये हम लोगों को पता चलता है इन थेरीज से हम लोग ये बता सकते हैं कि कहाँ सिस्टम कैसे है लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं हम लोगों को हिस्ट्री में जाना पड़ता है इसका औरजिन इसका एवोल्यूशन इसकी ग्रोथ देखने के लिए हम लोग नहीं बोल सकते प्रिसाइसली कि कब कहाँ ठीक है कैसे किन सरकमस्टेंस के अंडर किन प्रेशर्स के अंडर किन वजूहत के बिना पर ठीक है किन वजहों से और किन मतलब जो है हालातों की वजह से इसका जन्म हो गया कैसे ये डेवलप हो गया लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इसको समझने के लिए हम लोग जो है इसको क्या करेंगे हम लोग कास्ट सिस्टम के तीन मेज स्टेजेस देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम जो हो गया उसके हम लोग क्या देखेंगे उसके हम लोग देखेंगे तीन मेन स्टेजेस ठीक है तो वो तीन स्टेजेस कौन कौन से हैं वो तीन स्टेजेस हैं जी यहाँ पर मैंने आप लिखा है ठीक है तीन जो है पहला अगर हम लोग देखेंगे कास्ट इन एंशंट एज यानी जब हम लोग पुराने ज़माने की बात करते हैं यानी वैदिक पीरियड ठीक है वैदाज ठीक है जब आर्यन का वो जमाना था ठीक है आर्यन से इन्वेड किया यहाँ पर तो वहां पर उस टाइम हम लोग बात करते हैं जो अगर हम लोग देखेंगे पीरियड जो कि इलेवन हंड्रेड एडी तक आता है ठीक है यानी इलेवन हंड्रेड एडी तक जब हम लोग बात करते हैं उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं एंशंट एज ठीक है तो उस पीरियड का हम लोग देखते हैं ये ठीक है जिसमें तीन चीजें आती है तीन एजेस आती है वेदिक, पोस्ट वेदिक एज, 1180 तक नेक्स्ट अगर हम लोग फिर 1180 से ए, से स्टार्ट होकर मुस्लिम हो का रूल जब था उसके बाद मॉडर्न एज की जब हम लोग बात करते हैं उसके बाद जब प्री इंडिपेंडेंट ब्रिटिश पीरियड था यानी अभी ब्रिटिशर्स से आजादी नहीं मिली थी इंडिया को तब का पीरियड ये देखा जाता है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के बाद भी पीरियड यानी सेवनटीन में यानी ब्रिटिशर्स जब आए उसके बाद और उसके बाद हम लोग देख हैं इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिली ब्रिटिशर्स से वहाँ तक तो अगर हम लोग देखेंगे वो डेवलपमेंट्स मतलब इसकी तो बहुत सारी है लेकिन अगर हम लोग मेजर हम लोग देखेंगे हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर जो डेवलपमेंट्स हो गई कास्ट सिस्टम है तो हम लोग डिटेल में नहीं बता सकते इतने के मतलब जो डेवलपमेंट्स हो गई कास्ट सिस्टम में पहले दो पीरियड्स में यानी एनशेंट एज और मिडीवल उतना जो है वो डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि उसका जो अगर हम लोग देखेंगे ज्यादातर हम लोग जो कंफाइन करेंगे ना डिस्क्रिप्शन इसकी वो हम लोग देखेंगे मॉडर्न एज में क्या हो गया ठीक है तो कास्ट जो है मॉडर्न एज में क्या होता है ये कास्ट का तो वो मैं आपको बताऊंगी जी ठीक है वेट ओके न तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कब पहले होता है ब्रिटिश रूल के दौरान तो यानी जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रूल किया था ठीक है सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन से लेकर नाइनटीन हंड्रेड एटीन एडी तक ठीक है तो वहाँ की हम लोग बात करेंगे ठीक है तो अगर हम लोग बोलेंगे लेकिन जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो है हम लोग बोल सकते हैं कि कास्ट सिस्टम तब भी था एक पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशन था क्यों ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन पावरफुल था क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्यों ये इतना ज़्यादा मतलब जो है खास हिस्सा बन गया था इंडिया का क्यों उस टाइम भी बना था क्योंकि जो है इसका जो सैंक्शन हम लोगों को मिलता है इसका जो हम लोगों को इंसिडेंस मिलता है इसका सबूत जो है कहां पर मिलता है हमें में में मिलता है, वेदा में मिलता है है ब्रह्मा उसमें दिखाई कास्ट सिस्टम जो था वो उसमें क्या उसने बताया था वो पुरुष है वो जो था थोड़ा सा मैंने आपको बताया था उसका जो वो पार्ट था पुरुष उसमें क्या बताया गया था ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा है गॉड जो है वहां से चार कास्ट निकले हैं ये ब्राह्मण शूद्रा सॉरी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राज ठीक है उनका जिक्र उन बुक्स में भी है हिंदू की बुक्स में भी क्योंकि प्री डामेंट जो है इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान इट इज़ मतलब यहाँ पर जो है डोमिनेंस किन की है यहाँ पर डोमिनेंस है हिंदूज की तो वहां पर हम लोग बोलते हैं उनकी बुक्स में उनके लिटरेचर में वेदाज में रिग वेदा जो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्क्रिप्चर है उसमें इसका जो है आ, आ, मैंशन है तो इसीलिए ये जो है एक बहुत ही पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता था जहाँ पर ब्राह्मण सबसे ऊपर थे और हिंदू किंग्स जो थे उनकी भी बहुत ज्यादा बड़ी पोजिशन थी यानी हिंदू के जो किंग्स थे मतलब जो उनके हिंदू के राजा वगैरह थे विद हेल्प ऑफ देयर सिविल पावर, ठीक है अगर हम लोग देखेंगे लेकिन एडवेंट फिर हो गया पर फिर हेडस कौन बन गए फिर ब्रिटिशर्स बन गए हेड्स ठीक है तो अगर हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल जो फॉर्म था कास्ट का उसमें थोड़ी सी अब क्या हो गई उसकी एक डिफरेंट सी शेप बन गई यानी अगर हम लोग देखेंगे ब्रिटिशर्स का अगर हम लोग देखेंगे ना इंटेंशन उनका क्या था उनका इंटेंशन था रूल करना ठीक है ना कि मतलब कोई रिफॉर्मेटिव चांस लाना वो जो है वो चाहते थे कि हम लोग रूल करेंगे तो उन्होंने क्या अपनी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनकी अपनी आ गई ठीक है वो जो है वो पूरी तरीके से डिफरेंट थी इंडिया के मोनार्कल यानी किंग्स उनके बच्चे उनके बच्चे बनते थे लेकिन जूही जो क्रिश्चनस हैं तो अगर हम लोग देखेंगे जो ब्रिटिशर्स वगैरह जो होते हैं उनको हिंदूज़ के इंस्टीट्यूशंस के साथ ज़्यादा सिम्पति नहीं थी क्योंकि वो लोग क्रिश्चन्स थे ठीक है वो डिफरेंट मजहब के थे तो फॉरेनर्स अगर हम लोग देखेंगे एज फॉरेनर्स वो इंटरेस्ट थे कि वो जो है एक्स्ट्रेंज लैंड पे जो है इंडिया वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाए ठीक है और उसके बाद वो कोई रिफॉर्मेटिव चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करते थे उनके हिंदू इंस्टीट्यूशन जैसे कि कास्ट बेक हिंदूज़ का इंस्टीट्यूशन है उसमें चेंज लाने के लिए उनको कोई ज़रूरत नहीं थी उन्होंने एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन किया स्टार्ट विच डिड नॉट डिमांड ऑफ एनी लर्नर्स ठीक है बोलते हैं कि जिन उन्हें नहीं बोला कोई चेंज वगैरह नहीं आएगी तो अगर हम लोग देखेंगे उनको इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं था तो अगर हम लोग देखेंगे प्री इंडस्ट्रियल ब्रिटिश पीरियड में क्या हो गया जो प्री इंडस्ट्रियल ब्रिटिश पीरियड की जब हम लोग बात कर ओके तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं वहाँ पर हम लोग देखेंगे मैंने आपको बोला कि उन लोगों को ज़्यादातर इंटरेस्ट ही नहीं था हिंदू के इंस्टीट्यूशन के से क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं उन्होंने एजुकेशन ऐसा लाया जिसमें मतलब कोई भी चेंज कास्ट या रिलीजन की करने की ज़रूरत ही नहीं थी ठीक है तो पॉलिसी जो थी इनकी जो नॉन इंटरफियेंस जो है इन्होंने इंटरफेयर नहीं किया इसमें इससे क्या हो गया जो लोअर कास्टस के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश की सुप्रमेसी के अगेंस्ट किया ये क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस आई और अगर हम लोग देखेंगे अर्बनाइजेशन जो है ज्यादा ज़्यादा आ गए इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ गए और साथ ही साथ लोग जो है अर्बन एरियाज़ में रहने लगे उससे भी सोशल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्या हो गई चेंज हो गई तो इस वजह से क्या हो गए डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं क्लासेस के जो लोग हैं रिलीजन के डिफरेंट रिलीजनस के लोग हैं वो लोग सिटीज़ में रहने लगे तो इस वजह से अगर हम लोग देखेंगे चेंजेस जो है वो हम लोग जो हम लोग जो ब्रिटिश रूल के दौरान वो हम लोग दो फेजेस में पढ़ सकते हैं पहला हो गया प्री इंडस्ट्रियल ब्रिटिश पीरियड ठीक है यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो ब्रिटिश पीरियड है तब का उसके बाद जो है प्री इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल पीरियड ठीक है यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडस्ट्रियल पीरियड जो है वो हम लोग देख सकते हैं तो पहले अगर हम लोग देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी उन्होंने क्या किया आपको पता है कि उन्होंने क्या किया उन्होंने मुगल रूलर्स से जो हासिल किया कुछ कमर्शियल प्रिविलजेस उन लोगों को मिले सेवेंटीन सेंचुरी से ठीक है सेवनटीन सेंचुरी के स्टार्ट में उसके बाद उनका पूरा पॉलिटिकल होल्ड आ गया क्योंकि जो है उन कमर्शियल जो है अपने नाम करने की कोशिश की तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उनका जो पोलिटिकल होल्ड आ गया पूरी तरीके सियासी तौर पर उन्होंने जो है कब्जा किया पूरे हिंदुस्तान में लगभग सात से आडिकेट्स सा तक यानी सेवेंटी टू एटी यर्स तो अगर हम लोग देखेंगे वेस्ट जो है वैरन हास्टिंगस जो है उसको अपॉइंट किया

लोगों का खुद का उन्होंने सिस्टम्स खुद के बनाए ठीक है उनके लीगल उनके लेजिसलेटिव सिस्टम्स ठीक है डिफरेंट कोर्ट्स वगैरह ये सब कुछ जो है जुडिशल सिस्टम बनाए तो जो पुराना जो है कास्ट काउंसिल्स का जो कि मतलब जो मतलब उन लोगों का क्या था वो रूल था पॉलिटिकली वो लोग जो है कंट्रोल करते थे अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करते थे लेकिन उसके बाद क्या हो गया जब जू ही ब्रिटिशर्स ने अपना जो कब्ज़ा जमाया तो उन्होंने जो इनके जो काउंसल्स के जो पावर्स थे जुडिशल पावर जो वो डिसजन्स लेते थे जो वो फैसला करते थे लोगों के लिए क्रिमिनल्स को जो है सज़ा देते थे या मतलब जो है डिफरेंट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे उन लोगों को वो बस क्या बन गए वो बस सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स बन गए जिसकी वजह से अगर हम लोग देखेंगे कि जो पहले अथॉरिटी ज़्यादा थी पंचायत की वो कम होने लगी ठीक है जो रेप वगैरह अडल्ट्री के के केसेस वगैरह थे वो फिर ब्रिटिश कोर्ट्स तक जाने लगे और अगर सिविल मैटर्स देखेंगे जैसे कि डिवोर्स मैरिज वगैरह जो केसेस थे या डिस्प्यूट्स हस्बैंड वाइफ के बीच में ठीक है तो अगर हम लोग देखेंगे वो इंटेंशन जो था ब्रिटिश का वो जो है वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे वो उन्होंने थोड़ा सा कास्ट कस्टम से ही ले लें एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिसीजन मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हाई कोर्ट के थे उन्होंने पूरी तरीके से जो कास्ट पंचायत को एक छोटा सा एक मतलब उनकी जो अथॉरिटी ही ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी उसके बाद दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल लेजिस्लेशन उसके बाद सोशल लेजिस्लेशन आ गया तो उसका क्या इन्फ्लुएंस रह गया कास्ट में यानी अगर हम लोग देखेंगे कुछ लेजिस्लेशन जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया ठीक है सोशली मतलब अगर हम लोग देखेंगे सोसाइटी में तो उसकी वजह से पूरी तरीके से हिल गया कास्ट सिस्टम का ये क्या हो गया अगर हम लोग देखेंगे कुछ मैंशन जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कास्ट डिससेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट ठीक है कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट 1850 ये या आप याद रखेंगे कास्ट डिसेबिलिटीज जो है रिमोल एक्ट ऑफ 1850 इसने क्या किया कुछ डिसेबिलिटीज जो थी कास्ट के साथ ठीक है यानी अनटचेबिलिटी जो शूद्राज को अनटचेबल समझा जाता था यानी अगर वो किसी को छुएंगे तो वो गंदा हो जाएगा इसको खत्म करने की कोशिश की ठीक है तो सोशली ये एक लेजिस्लेशन बन गया ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया ये तो जो अनटचेबल जो शूद्राज थे जो वो खदमत करते थे उनको जिनका मतलब हिंदूज़ की प्योरिटी थी कि मतलब जो है ब्राह्मण्स मानते थे कि प्योरिटी मेंटेन करने के लिए हमें शूद्राज अन जो है उनका हाथ नहीं लगना चाहिए उनका साया नहीं लगना चाहिए, पब्लिक लेसेस में नहीं जा रहे, वो जो उसके कुछ डिसबिलिटीज थे उन लोगों को जो है जो वो नहीं कर सकते थे उसको खत्म करने की कोशिश की गई थ्रू डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट ऑफ एटीन ठीक है उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे स्पेशल मैरिज दूसरा जो है स्पेशल मैरिज एक्ट ठीक है ये भी जो है एस पी एस एम ए हम शॉर्ट में बोल सकते हैं है, एटीन हंड्रेड सेवेंटी टू में ठीक है उसके बाद पहले पचास में ठीक है एटीन हंड्रेड फिफ्टी में पहले ठीक उसके बाद जो है एटीन हंड्रेड सेवेंटी टू यानी ट्वेंटी टू ईर्यर्स के बाद फिर से जो हो गए इंटर कास्ट इंटर रिलीजस मैरेजेज जो है उनको लीगलाइज़ किया गया अदरवाइज कास्ट के क्या करते थे वो एंडोगैमी थे एंडोगेमस uh, थे यानी एक कास्ट का दूसरे कास्ट के साथ शादी ही नहीं करता था लेकिन जो ही ये स्पेशल मैरिज एक्ट आ गया तो फिर क्या हो गए इंटर कास्ट मैरेजेज भी होने चाहिए लगी तो इस वजह से जो है कास्ट सिस्टम का पूरी तरीके से जो बुनियाद थी एंडोगेमी जो इसका एक फीचर था वो भी खत्म होने को था और उसके बाद डिसेबिलिटी जो था अनटचेबिलिटी ठीक है इंटरकोर्स में जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी थोड़ा बहुत उसमें जो है चेंजेस आ गए और हिंदू हिंदू जो है विडोज जो विडोज़ थी उनकी री अमेरिज एक्ट एटीन में ठीक है वो जो है बीच में ठीक है इन दोनों के बीच में हो गया जो है उसमें अगर हम लोग देखेंगे उसमें जो विडोज जो है उनको लीगल परमिशन मिली कि वो शादी कर सकते थे री कर सकते थे उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए ब्रिटिश दौरान जो सोशल लेजिस्शन्स जो है उन्होंने जो डिफरेंट लेजिस्लेशन जो उन्होंने रूल्स uh, वगैरह पास किए ठीक है जो उन्होंने एक्ट्स वगैरह पास किए उस वजह से जो सोशल जो है मैरिज के लिए जो है काज डिसबिलिटी के लिए हिंदू री के लिए विडोज़ रीमरिज तो उस वजह से जो है पूरी तरीके से हिल गया इसका पूरा सिस्टम ही तो अगर अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे लीगल मैरिज है तो कुछ है लेकिन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है पूरी तरीके <laughs> दिया कास्ट सिस्टम को लेकिन अगर हम लोग देखेंगे आ, प्रोफेसर गोरे जो है उसने बोला है कि जो सारे मेजर्स है ठीक है यानी उसने बताया जो ये सारे मेजर्स लिए गए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस लिए लिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ठीक है मतलब उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनको संभालनी थी उस हिसाब से उन्होंने ले लिए उनको कोई मतलब इनका कोई इंटेंशन ही नहीं था कि वो लोग जो है कास्ट की रिजिडिटी को कास्ट के रूल्स को कास्ट के जो थे स्ट्रिक्ट रूल्स को उनको तोड़ने की कोशिश करे इट वॉज जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एक किसने बोला था प्रोफेसर गुरे लेकिन अगर हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली इनकी वजह से कास्ट सिस्टम की जो मेन फीचर्स जैसे अगर हम लोग देखेंगे एंडोगी था या जो है कास्ट डिसबिलिटीज़ जो थे मतलब जो है सोश सिविक रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ जो थी लोअर कास्टस की वो भी खत्म होने को थी उसके बाद अगर हम देखेंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ठीक है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स अगर हम लोग देखेंगे जो है डिफरेंट जो है कुछ लोग जो थे उन्होंने क्या किया उन्होंने सोशल रिफॉर्मस जिन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की ठीक है ब्रिटिश रूल के दौरान उनकी वजह से जो है उन्होंने भी अटैक किया कास्ट सिस्टम की और उसकी इक्वालिटीज़ की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखेंगे ब्रह्मो समाज जो किसने राजा राम मोहन रॉय एटीन हंड्रेन ट्वेंटी ब्रह्म समाज उसने जो है अगर हम लोग देखेंगे उसने एक किया था और उसके बाद अगर हम लोग उसको डेवलप किया था देवेंद्र नाथ टैगोर भी था केशव चंद्र सेन भी था उन्होंने कंडेम किया कि कास्ट के जो डिविजन्स है बैरियर्स जो है उसमें जो मतलब कास्ट के डिफरेंट डिविजन्स जो है उनमें जो बैरियर्स थे लोगों के बीच में ठीक है लोगों के बीच में जो दीवारें थी ठीक है आइडल वर्शिप था ह्यूमन एनिमल सेक्रीफाइस जो करते थे गॉड को खुश करने के वो सब कुछ उन्होंने कंडेम किया तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड माना गया कि सब लोग जो है आपस में बाई बाई हैं तो कोई ऊंचा कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है तो उसमें भी उससे फर्क पड़ गया इस तरीके से प्रार्थना समाज अगर हम लोग देखें ब्रह्मो समाज पहला दूसरा प्रार्थना समाज जस्टिस रनाडे उसने जो है बोला सोशल रिफॉर्म्स जो है उसने बोले जैसे कि इंटरडाइनिंग यानी आपस में जो है डिफरेंट कास्टस के लोग आपस में खाना भी खा सकते हैं एक दूसरे से खाना भी एक्सेप्ट कर सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज भी है विडोज फिर से इसमें ये किया ठीक है उसके बाद आर्य समाज अगर हम लोग देखेंगे फिर एटीन में स्वामी दयानंद ब्रह्मो समाज किसने राजा राम मोहन राय आर्य समाज किसने स्वामी दयानंद प्रार्थना समाज किसने लॉन्च किया जस्टिस रोनाडे ने रनाडे ठीक है तो आर्य समाज में भी अगर हम लोग देखेंगे एटीन सेवन इसने भी जो है बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन को खत्म करने की कोशिश की प्रोटेस्ट किया कि अगेंस्ट द प्रोहिबिशन जो सी वेज वगैरह वो लोग लो नहीं कर सकते थे लोअर कास्ट के लोग और इवन जो शूद्रास है वो भी फिर वेदास पढ़ने क्योंकि उन लोगों का रिलीजियस डिसबिलिटीज वो लोग लो स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ सकते थे मतलब जो वेदा जो हिंदूज के जो स्क्रिप्चर्स थे रिलीजियस बुक्स थे वो भी नहीं पढ़ सकते लेकिन उसने उसको खत्म करने की कोशिश की रिमॉडल करने की कोशिश की हिंदू सोसाइटी का पूरी तरीके से मॉडल ही चेंज करने की कोशिश की इन्होंने अगर हम लोग देखेंगे

स्टार्ट किया था तो उससे भी अगर हम लोग देखेंगे जो एटीन हंड्रेड नाइन्टी सेवन में उससे जो हो गया क्या जो मतलब जो अगर हम लोग देखेंगे पूरी तरीके से सिंथेसिस हो गया जो पुराना कल्चर जो था और वेस्ट पुराना ऑरिएटल कल्चर ईस्टर्न मतलब जो यहाँ पर कल्चर था और जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का उसमें जो है सिंथस हो गया वो दोनों मिल गए ठीक है विवेकानंदा ने जो है उसने राजा राम जो मोहन राय जो के कौन सा था राजा राम कौन था ही वॉज द फाउंडर ऑफ़ ब्रह्मो समाज उसके जो कुछ उसने जो है रैशनलिज्म उसने बोला था उसका दयानंद सरस्वती के भी उसने जो दयानंद सरस्वती कौन था जिसने आर्य समाज देखे उनकी स्परिचुल क्लिटी ठीक है उसने बोला इसमें बहुत सारे कास्ट एंडक्वालीज़ को खत्म करने की कोशिश की ठीक है जो होती थी बहुत ही उनको कम कंसिडर किया जाता था उनके साथ जुल्म किया जाता था लोअर कास्ट के साथ उसको खत्म करने की उसने एजुकेशन पर जोर दिया सेल्फ रिलायंस पर उसने जोर दिया और फ्रीडम जो है वुमेन की तो उसने इसने इतना भी इतना इसने बोला कि जो शूद्राज है वो जो है डोमिनेट करेंगे ठीक है मतलब शुदराज जो होते हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो लोग डोमिनेट करेंगे आगे जाकर तो दूसरे अगर हम लोग देखेंगे सोशल मूवमेंट जैसे ज्योतराव फूले का जो है एक समाज ठीक है इस तरीके से बिसन का थियोसोफिकल इस तरीके से गोश की, इस तरीके से रिफॉर्म, रिफॉर्म से एनी का अरविंद मतलब की, की, तो की जरूरत है हम लोगों को कि ये जो रिफॉर्म है इन्होंने रिजिडिटी कास्ट सिस्टम की खत्म नहीं की मतलब ये लोग जो है कामयाब नहीं हो गए पूरी तरीके से इसको लेकिन इससे जो हो गए इसका स्ट्रक्चरल फीचर जो मेन मेन फीचर जैसे जो मतलब अगर मैंने आपको बोला कि मतलब जो मैरिज के रिलेटेड एक्ट्स थे इंटर डाइनिंग जो है सोशल इंटरकोर्स आपस में नहीं कर सकते थे मतलब इनके बीच में डाइनिंग एक दूसरे के साथ जो ये नहीं कर सकते थे ठीक है सेक्रीफाइज वगैरह जो एक कर उस पर भी इसने बहुत सारे ये हो गए और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इससे बहुत सारा असर पड़ गया हमारे किस पर जो इसका सिस्टम के स्ट्रक्चरल फ़ीचर्स पर बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ठीक है और अगर हम लोग देखेंगे स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन जो स्प्रेड हो गया ठीक है वेस्टर्न आइडियाज आ गए जैसे अगर हम लोग देखेंगे वेस्टर्न आइडियाज जैसे लिबर्टी है इक्वालिटी है फ्रैटर्निटी है ठीक है ये तीन आइडियाज अगर हम लोग देखेंगे ठीक है ना क्योंकि जो है ये वेस्टर्न आइडियाज ही है ठीक है मतलब इक्वालिटी हर एक को कंसिडर करो इक्वल हर एक को फ्रीडम है ठीक है फ्रैटर्निटी डेमोक्रेसी है सबका राज है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल ठीक है सबका चलेगा खुद अपने प्रजेंटेटिव कुछ यूज़ कीजिए आप ठीक है कोई मुनार की सिस्टम नहीं है कोई जो है रूल नहीं करेगा कोई खास बंदा ठीक है मतलब कोई भी रूल कर सकता है ठीक है तो रैशनलिज्म जो है इंडिविजुअलिज्म अगर हम लोग देखेंगे ठीक है रैशनलिज्म मतलब आ, या आ, हम लोग इंडिविजुअलिज्म देखेंगे सेकुलरिज्म जो है लबरेशन वुमेन का जो है लिब्रेशन हो गया ह्यूमानटेर मतलब इंसानियत ये सारे जो है इसकी वजह से इंडिया में सब कुछ आगे वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियज जो है इन्होंने मतलब जो वेस्ट में जिन्होंने इंडियंस ने पढ़ा था उनका बहुत ही इससे जो है ये हो गया जो पहले मतलब जो है वो लोग बहुत ही इससे जो है उनकी जो है असर हो गया उनको इन बातों से इन जो है रूल्स वेस्टर्न जो ये आइडियाज़ थे ठीक है तो अगर हम लोग देखेंगे जिनको पहले एरस्टोक्रासीज जिन लोगों को बेचारों को पहले जुल्म किया जाता था ह्यूमिलेट किया जाता था ठीक है डिप्राइव किया जाता था उनके साथ जो है बुरा बर्ताव किया जाता था वो अब जो है वो अपनी आवाज़ उठाने लगे क्योंकि उन्होंने बाहर पढ़ा उन्होंने देखा कि ब्रिटिश मतलब जो है उन्होंने क्या किया उन्होंने जो है उनको जो है ऐसी एजुकेशन दी गई उसको इसके बारे में बताया गया तो वो लोग जो है अब आप उन्होंने जुल्म के खिलाफ अपने जो है हकूक़ के लिए अपने आवाज़ उठानी स्टार्ट की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से भी उन लोगों को ज़्यादा ज़्यादा पता चलने लगा और उसके बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने जो है आवाज़ें उठाने स्टार्ट की अपने जुल्म के खिलाफ ठीक है इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे ये था मतलब स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ठीक है ये मैंने आपको बोला ठीक है कास्ट पंचायत भी कम हो गए ठीक है इन्फ्लेंस हो गया सोशल लेजिस्लेशन का भी और सोशल रिफॉर्म ट्स और साथ ही साथ इंग्लिश एजुकेशन भी आ गई और उस वजह से जो है उनका भी इंफ्लेंस हो गया वेस्टर्न आइडियाज़ का ठीक है उसके बाद अगर हम देखेंगे बर्थ ऑफ द बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट्स यानी बैकवर्ड कास्ट जो थे वो बैकवर्ड कास्ट का मूवमेंट जो है वहां पर स्टार्ट हो गया अगर हम लोग देखेंगे एक मूवमेंट जो है मिलिटेंट नेचर का कास्ट के खिलाफ ठीक है मिलिटेंट नेचर का कास्ट के खिलाफ जो वो स्टार्ट हो गया सत्या सोदक समाज ठीक है 1873 में जो कि ज्योतिराव राव फूले ने ठीक है वो पूना का एक इंसान था ठीक है वो माली कास्ट से बिलोंग करता था पुना का एक बंदा था उसका नाम था ज्योतिराव राव फूले उसने जो है स्टार्ट किया उसने फाउंड किया उसने बनाया सतियाक समाज ठीक है 1873 में तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे उसका मेन पर्पज यही था कि वो जो है वर्थ देखेगा मतलब जो है वो क्या करना था मतलब इंसान का जो है वर्थ देखना था उसके कास्ट के हिसाब से यानी इंसान की जो है क्वालिटी है इंसान जो है उसकी जो है अगर हम देखेंगे उसका इंसान की जो है आ, उसका इतना वर्थ है मतलब इंसान इतना प्रेशियस है चाहे उसका कोई भी कास्ट हो तो उसने अपनी राइटिंग्स से उसने लिखा अपनी प्रैक्टिस से उसने एक रिवोल्ट किया कास्ट सिस्टम के जो जुल्म के खिलाफ जो है उसने एक जंग छेड़ दी जैसे ठीक है ना ब्राह्मन की जो है जो हैजमोनी थे जो वो रूल करते थे उसने अपील किया कि नॉन ब्राह्मण कास्ट उसको कि कोई भी ब्राह्मण पीस्ट को आप नहीं आने देंगे अपने घर नहीं आप उनको क्या करने देंगे आप उनको नहीं आने देंगे अपने घर ठीक है आप उन मतलब किस लिए नहीं आने देंगे अपनी मैरिज रिचुअल करने के लिए ठीक है उसने क्या करने की कोशिश की रिचुअल सिस्टम को जो है जो पुराना था उसको सिंपल प्रोसीजर में लाने की कोशिश की उसने जो है बोला कि अगर हम लोग जो है एजुकेशन लोअर कास्ट के लोगों के लाने की कोशिश की उसने बहुत सारी मेहनत की उसने अगर हम लोग देखेंगे कि उसने इतना ही नहीं उसने खाली बोला ही नहीं उसने खाली राइटिंग्स में नहीं लिखा लेकिन उसने प्रैक्टिस में भी इसको लाया जब उसने क्या किया उसने प्राइमरी स्कूल खोला अनटचेबल्स के लिए पुना में 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 ठीक है तो वहां पर सब कुछ खत्म हो गया अगर 1851 में, जब हम लोग बोलते उसने स्कूल जो लो कास्ट, उसको एजुकेशन नहीं नहीं दी जाती थी उन लोगों को स्कूल में आने लेते उसके खिलाफ उसने जंग छेड़ दी ठीक है उसने अगर हम लोग बहुत सारा काम किया ज्योतिराव फूले ने, ने। कौन मैंने आपको बोला? मैंने आपको बोला समाज के बारे में आर्य समाज के बारे में मैंने आपको बोला ब्रह्मो समाज के बारे में मैंने आपको बोला रामा मिशन श्री रामाकृष्ण मिशन के बारे में आर्य समाज किसने फाउंड किया था स्वामी दयानंद सरस्वती आप याद रखेंगे ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ठीक है इस तरीके से रामाकृष्ण मिशन स्वामी विवेकान इसलिए प्रार्थना समाज जस्टिस रनाडे और रामाकृष्ण मिशन जो सॉरी और जो हमने देखा ज्योतिराव फुले ने सोयादोष सॉरी व्हाट इज दिन सदिया शोधक समाज जो है जो है उसको फाउंड किया था ओके सो नेक्स्ट जब हम लोग बात करते थे हैं वो है प्री इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल पीरियड यानी नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन से लेकर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन यानि इंडिपेंडेंस नाइनटीन फोटी सेवन को मिली उससे पहले जो है नाइनटीन नाइनटीन से स्टार्ट होकर नाइनटीन फोर्टी सेवन तक जो है प्री इंडिपेंडेंट हम लोग बोलते हैं इसको इंडस्ट्रियल पीरियड यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई जैसे कि हम लोगों को पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है कि इंडस्ट्रीज़ का जो है इंट्रोडक्शन हो गए इंडस्ट्रीज आने लगी ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से जो है फैक्ट्रीज़ वग़ैरह जो होती है नई नई मशीनरीज आ गई फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हो गया नई नई इंडस्ट्रीज़ नए नए अपॉर्चुनिटी मिल अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई लोगों को एम्प्लॉयमेंट की सर्विस वो लोग करने लगे सैलरी बेस्ड ठीक है ऑक्यूपेशनस नए नए हो गए तो उसकी वजह से अगर हम लोग देखेंगे जो ग्रोथ हो गई इंडस्ट्रीज़ की उसकी वजह से जो पुराना क्राफ्ट था जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज मतलब घर में छोटे पैमाने पर करते थे वो लोग घर में ही काम करते थे ठीक है और उसके बाद अगर हम लो लोग देखेंगे लोगों को बहुत सारे जो है नए नए तरीके मिले अपनी आ, अपना रोजगार कमाने के लिए ठीक है वो लोग जो है अब कन्फाइंड नहीं रहे अपने हाउस होल्ड जो है छोटे छोटे जो पुराने क्राफ्ट कर रहे या जो हाथ से काम करने के लिए नया नए जो रेलवेज स्टार्ट हो गए उनका इंट्रोडक्शन हो गया ठीक है रोड्स वगैरह बन गए टेलीग्राफ हो गए उसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स भी आसान हो गया और जो है लोग डिफरेंट कास्ट के जो है वो लोग नए नए

लगा वो लोग अब सीमित नहीं रह गए अपने कास्ट के ऑक्यूपेशन से उनको जब सर्विस मिलने लगी वो जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको नई नई मिलने लगी नए नए पैसे कमाने के तरीके तो उनके जो है ऑक्यूपेशनल जोग्राफिकल जो मोबिलिटी हो गई जो मूवमेंट हो गई लोगों की पुराने एंसेस्ट्रल विलेजेस जो थे वहाँ से वो लोग सिटीज में आने लगे टाउन में आने लगे क्योंकि वहाँ पर नई नई फैक्ट्रीज बनने लगी नई नए इंडस्ट्रीज बनने लगे तो बहुत सारे जो कास्ट नॉर्म्स है वो ख़त्म होने लगे ठीक है कास्ट में जो है आपसे एक्सपेक्टेड जो बिहेवियर था सोसाइटी में जो आपका जो कास्ट के जो डिफरेंट नॉर्मल जो था अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मली जो कास्ट में होता था कस्टम्स पुरानी वो सब सबको जो है चेंज होने लगा और ट्रेन वगैरह बसेज जो है उससे डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट कास्टस के वो साथ आने लगे और अगर हम लोग देखेंगे फिर जो है सरमोनील प्योरिटी मतलब जो अनटचेबल्स अगर हाथ लगाएगा क्योंकि वहां पर फिर इंडस्ट्रीज में सब लोग इकट्ठे काम करने लगे ठीक है फूड वगैरह में जो रिस्ट्रिक्शंस थी ठीक है फूड एक्सेप्ट वगैरह करना वो भी सारा जो है वो थोड़ा कम कम होने लगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अगर हम लोग देखेंगे इसका यूनिफॉर्म नहीं था एब्सोल्यूट नहीं था मतलब इसका इम्पैक्ट इसका जो असर पूरी तरीके से पूरे कास्ट सिस्टम के फीचर्स पर नहीं था बेसिकल लेकिन अगर हम लोग देखेंगे क्योंकि कुछ में होने लगा कुछ चीज़ों में कुछ फीचर्स में कास्ट सिस्टम के कुछ क्वालिटीज़ पे होने लगा इसका असर कुछ पे नहीं रहा क्योंकि जैसे अगर हम लोग देखेंगे एंडोगेमस नेचर ऑफ़ मैरिज ठीक है यानी अपने ही कास्ट में शादी करना डिफरेंट मैरिज प्रैक्टिसेस ठीक है उस पर ज़्यादातर इसका असर नहीं हुआ लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हो गया कास्ट सिस्टम में जो होता है इंटरडाइनिंग जो आपस में जो है फ़ूड एक्सेप्ट करना जो है वो उससे जो है वो थोड़ा सा उसमें जो है चेंज आने लगी या अगर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट लोग जो है अनटचबिलिटी का जो है उसमें जो है उस फीचर में थोड़ी सी चेंज आने लाइव इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कभी भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से खत्म होने लगा डिजोल्यूशन हो गया या फिर अगर हम लोग रिप्लेस हो गया कास्ट सिस्टम से ठीक है लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमिक आस्पेक्ट जो है कास्ट के उसमें बहुत सारी चेंजेस आने लगे लेकिन कल्चरल आस्पेक्ट जो है वो कभी भी चेंज नहीं हुई इक्वल स्पीड से ठीक है ये हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या असर पड़ गया कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन सिस्टम जो था यानी लोग जो है पुराने जो अपने ऑक्यूपेशन अपने कास्ट के ऑक्यूपेशन पर करते थे वो जो है वो थोड़ा बहुत उसमें जो है चेंज आने लगे क्योंकि लोगों को नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई वो सिटीज़ में चले गए टाउनस में चले गए और जो है अनटचबिलिटी पर असर पड़ गया जो कास्ट सिस्टम का था इंटर डाइनिंग जो है डिफरेंट कास्टस के साथ फ़ूड वगैरह एक्सेप्ट करना या जो फूड uh, वगैरह खाना दूसरे कास्टस का उसमें भी थोड़ी सी चेंज आ ने उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन जो है अर्बनाइजेशन यानी लोग जो है जब लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले नए नए मौके उनको मिले पढ़ने के ऑक्यूपेशन के पैसे कमाने के सिटीज़ में तो वो लोग वहां शहरों में चले गए ठीक है तो उससे क्या हो गया जो टैबूज वगैरह जो कॉस्ट वगैरह ने जो कि उससे एक रिलेक्शन मिल गई और जो होता है डोमिनेंस ब्रह्मनस की कम होने लगी श्रीनिवास जैसे हैं उन्होंने बोला है नॉन ब्रह्मनस जो है उन्होंने सेम रेस्पेक्ट उतना नहीं दिखाया फिर ब्रहमनस को जो वो पहले दिखाने लगे क्योंकि उनको जब नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वो लोग अब थोड़ी ब्रहमनस की खदमत करते थे ठीक है वो लोग अब जो है वो लोग शहरों में चले गए एजुकेशन उन्होंने एजुकेशन हासिल की ठीक है क्योंकि वहां पर अगर हम लोग देखेंगे कास्ट सिस्टम है उन लोगों को जो है जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन लोगों को एजुकेशन हासिल करने की भी जो है क्या हम बोल सकते हैं उनको परमिशन नहीं थी ठीक है तो वहां पर वो उनको एजुकेशन मिल गई अपॉर्चुनिटी मिली ऑक्यूपेशन अच्छे अच्छे सर्विसेज वो करने लगे तो वो जो उतनी उनको रेस्पेक्ट नहीं रही अपने जो है हायर कास्ट के लोगों की ब्राह्मण्स की ठीक है तो अगर हम लोग देखेंगे रिजिडिटी जो कास्ट सिस्टम की स्ट्रिक्टनेस है उसमें भी रिलैक्सेशन आ गई तो किंग्सले डेविस ने बोला है कि एनोनिमिटी एनोनिमिटी यानी एक दूसरे को जानते भी नहीं है शहरों में लोग ठीक है यानी कंजेशन बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं ठीक है मोबिलिटी यानी चेंज होती है यानी अगर आपके स्टेटस में चेंज हो सकता है अगर आप ज्यादा पैसे सेकुलरिज्म इक्वली ट्रीट किया जाता है चेंजबिलिटी सिटी की जो उसकी वजह से जो कास्ट का मतलब कास्ट सिस्टम का चलना बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट जो है इम्पॉसिबल हो गया इन चीज़ों के चलते हुए ठीक है उसके बाद अगर हम लोग फ्रीडम मूवमेंट और रोल ऑफ गांधी जी ठीक है फ्रीडम मूवमेंट मैंने आपको बोला ये हम लोग बात कर रहे हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की जब अभी आज़ाद नहीं मिली अभी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल कर लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल यानी फ्रीडम जो है लोग जो है लोग जो, लो जो है फ्रीडम फाइटर्स ने उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो बहुत सारे काम किए ठीक है वो जो हिंदुस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी वजह से भी बहुत ही ज्यादा जो कास्ट सिस्टम का जो है कैरेक्टर उसमें चेंज आने लगा फ्रीडम स्ट्रगल अगर हम लोग देखेंगे आई एन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो स्टार्ट किया था इससे जो है डिफरेंट कास्ट के लोग डिफरेंट डिफरेंट कास्टस के लोग चाहे वो ब्रह्मनस के हो होशत्रियाज के शूद्रस के वो लोग जो है वो इकट्ठे आने लगे वो एक दूसरे के करीब आने लगे डिफरेंट कास्ट डिफरेंट एक ही मतलब उनका क्या था काम फिर बस उन लोगों का मकसद था आजादी हासिल करना कांग्रेस जो है गांधी जी ने लेड किया ठीक है गांधी जी ने उसको रूल किया उसने जो है कैंपेन किया किसके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो कि कास्ट सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था यानी जो है शूदराज जो है वो किसी चीज़ को टच भी नहीं कर सकते वेल्स में वेल्स में से अगर वो पानी निकालेंगे कुओं में से पानी तो पानी गंदा हो जाएगा अगर वो मंदिर में चले जाएंगे तो मंदिर गंदा हो जाएगा अगर ब्राह्मण्स को टच करेंगे उनका शेडो आ जाएगा डॉक्टर को अगर टच करे डॉक्टर का हाथ गंदा हो जाएगा ठीक है इतना जो अनटचेबिलिटी का सिस्टम था ठीक है इन लोगों को शूदराज ठीक है बहुत सारे अनटचेबल्स ठीक है माना मानता जाता था उसको जो है उसके खिलाफ जो है गांधी जी ने कैंपेन स्टार्ट किया तो प्रैक्टिस के खिलाफ अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल बी आर अंबेडकर जी की हम लोग कर लो बात करते हैं वो भी जो है वो एक अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे ठीक है तो उन्हों का भी हम लोग बोल सकते हैं इसमें योगदान था ठीक है तो जो हम गोरी ने जैसे बोला है कि ब्रिटिश रूल जब खत्म हो गया ना इंडिया में तो कास्ट सोसाइटी जो है वो क्या हो गया कास्ट सोसाइटी ने प्रेजेंट किया सेल्फ सेंटर ग्रुप्स वो बन गए ठीक है एक दूसरे के साथ उन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट कम या ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं लेकिन फिर भी वो लोग सेल्फ सेंटर जो है ग्रुप्स बनने लगे ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल में जो है पार्टिसपेशन हो गई ना लोअर कास्टस की भी तो उनका जो पूरी तरीके से जो फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी पार्टिसपेशन ही सब लोग जो इकट्ठे आ गए डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट रोल के तो वहाँ पर सब कुछ जो है कास्ट सिस्टम का जो है नींव ही हिल गई ठीक है उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया में नाइनटीन के बाद जो होते हैं चेंजेस आ गए कहाँ पर चेंज आ गए ट्रेडिशनल फीचर जो है कास्ट के वहाँ पर चेंजेस आ गए चेंजेस आ गए कहाँ पर चेंजस आ गए रोल ऑफ कास्ट में अगर हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ चेंजेस ठीक है ट्रेडिशनल फीचर्स जो होते हैं कास्ट के आप बोलोगे किस वजह से आगे ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन वजह से ठीक है इंडस्ट्रीज जो मैंने आपको अभी बोला बन गई हम लोग अब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं आफ्टर नाइनटीन के बाद अर्बनाइजेशन हो गया यानी लोग जो है शहरों में चल जाने लगे सेक्युलराइजेशन ठीक है सेक्लर सबको जो है सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है सब मजहब के लोगों को सब कास्ट को ठीक है तो बहुत सारी चेंजेस आ गई उसकी वजह से कास्ट सिस्टम है ठीक है तो पहले अगर हम लोग देखें ट्रेडिशनल फीचर्स में यानी रिलीजियस बेस्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल फीचर्स रिलीजियस बेस्ड जो था कास्ट का ठीक है रिलीजियस मतलब पूरी तरीके से हम लोग बोलेंगे रिलीजियसली इसको जो माना जाता था ठीक ठीक है उसको नहीं माना गया ठीक है सोशल सेक्युलर मीनिंग दिया गया यानी सबको इक्वली ट्रीट किया गया फूड हैबिट्स में जो रेस्ट्रिक्शन होते उसमें भी कम हो गए जैसे जो है पक्का फूड कच्चा फूड उसका वो सारा खत्म हो गया ठीक है फूड हैबिट्स जो है वो पर्सनल चॉइस हो गई यानी जो लोग जो है चाहते थे लेना पक्का फूड किसी से ले सकते थे जैसा जगह कच्चा फूड लेना वो ले सकते थे कि कोई पाबंदी नहीं थी ठीक है तो लेकिन इग्नोर नहीं किया मतलब रूरल एरियाज में फिर भी कुछ टैबूज चलते थे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखेंगे उसमें जो है बहुत सारी रिलैक्सेशन आ गई और कास्ट जो है वो एसोसिएट नहीं किया गया हेरिटेटी ऑफिस के साथ क्योंकि जो है ऑक्युपेशन वो कास्ट फ्री बन गए जो लोग जहाँ से करते इवन ब्राह्मण जो थे ब्राह्मन को देखा गया कि वो टैक्सी चला रहे हैं फुटवेयरस के साथ वो काम कर रहे हैं जूते वगैरह बेच रहे हैं अदरवाइज वो किन का काम था जूतों के साथ करना जूते बनाना ये गंदे ये ना मतलब छोटे छोटे काम करना वो शूद्रास का था लेकिन फिर भी इस तरीके से नॉन वेजिटेरियन होटल्स वगैरह चलाते थे बार चलाते थे अब्रह भी ठीक है यानी रिलीजियस जो है उसमें रिलीजियस बेसिस थोड़ी सी कम हो गई फूड पर जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें भी रिलैक्सेशन मिल गई ऑक्यूपेशन जो है उसमें भी चेंज आ गई ठीक है और इस तरीके से एंडोगेमी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है वो अभी भी होता है इंटरकास्ट मैरिजेस अगर हम लोग देखेंगे लीगल तो परमिट हो गई मैंने आपको बोला जो लॉ आ गया जो कि गवर्नमेंट ने जो कि, जो कि है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो स्टार्ट वो किया कौन सा था वो द कौन सा द स्पेशल मैरिज एक्ट ठीक है इंटरकास्ट ने आ, ये किया सपोर्ट किया सपोर्ट ठीक है तो वहां पर तो आ गया लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे फिर भी वो पाया जाता है इंटरकास्ट मैरिज अभी भी कहीं पर कहीं पर पाए जाते हैं उस टाइम भी ठीक है उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे स्पेशल जो होते थे उन लोगों को जो खास जो है कुछ खास इज्जत दी जाती थी उन लोगों को रेस्पेक्ट दिया जाता था था। कुछ उन लोगों को जो है बेनिफिट्स दिए जाते थे सिविक रिलीजियस ठीक है अब उनको नहीं मिलते थे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सब कुछ खत्म कर दिया लीगल पोलिटिकल अगर हम लोग बोलेंगे सियासी तौर पर एजुकेशन तालीमी इकोनॉमिक ठीक है इकतदी ये सारे अगर हम लोग जो डिसेबिलिटीज़ थी उन लोगों को बेचारे गरीब तबकों को वो सारे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तान के आई ने खत्म कर दिए ठीक है तो उनको स्पेशल फाउंडेशन में प्रोटेक्शन मिल गई ठीक है अगर हम लोग देखेंगे उन लोगों को जो एडल्ट फ्रेंचाइज ठीक है रिजर्वेशन वगैरह दी गई जो है लोगों को इन लोगों जो है गरीब तबकों को जो कम अनटचेबल्स को उनको जो है रिजर्वेशन दी गई मतलब उन लोगों के लिए डिफरेंट सीट्स रखी गई डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज के लिए ठीक है मतलब गवर्नमेंट में जो है अगर हम लोग देखेंगे वो सब कुछ उनको मिल गया ठीक है और कास्ट जो है लेकिन फिर भी जो है अगर हम लोग डिवीजन डिवीजन होता है हायरार्किकल सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंट स्टेटस फिर भी मिलते हैं लोगों को अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंट प्रोसेस जो है संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्नाइजेशन जो जो हो गए वेस्ट वेस्ट से जो है बाहर से जो ब्रटिशर्स यहाँ पर आ गए तो जो है डिफरेंट वहाँ का कल्चर यहाँ पर लोगों में जो है आने लगा ठीक है अडोप्ट करने लगे यहाँ पर लोग कल्चर जो है वेस्टर ब्रटिशर्स ने यहाँ पर फैलाया ठीक है तो और इस तरीके से संस्कृताइजेशन लोग जो है वो क्या करने लगे वो जो है वो ब्रह्मनस को फॉलो करने अपनी जो है लेटर ऊपर करने की कोशिश करने के लिए अगर हम लोग देखेंगे मोबिलिटी तो हो गई ठीक है मोबिलिटी लेकिन थोड़ी सी चेंज हो गई मोमेंट चेंज हो गई इस तरीके से जो है रेस्ट्रिक्शन जो है कास्ट पर इंटरकोर्स आपस में जो बातचीत आपस में जो सोशल

तरीके से दूसरे चेंजेस अगर हम लोग देखेंगे कि रिचुअल स्टेटस पर अब ज़्यादातर नहीं बे बेस्ड होता है ये अगर वेलेश में पाया भी जाता है ठीक है और जो होता है इसका जो है सोशल यूजेज़ कस्टम्स वगैरह पर ज़्यादा इसका होल्ड नहीं है ठीक है और जो है इंडिविजुअल की लाइफ को ये नहीं मतलब कंट्रोल करता है ये कास्ट सिस्टम ठीक है और अगर हम लोग देखेंगे फ्रीडम वगैरह आ गई है तो इसकी वजह से लोगों में जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी कम होने लगे हैं ठीक है जजमानी सिस्टम भी एक सिस्टम है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे तो वो उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस आ गई है ठीक है तो उसके बाद हो गया ये ठीक है नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे था चेंजेस इन द ट्रेडिशनल फ़ीचर जो इसके थे फिर अगर हम लोग देखें रोल में क्या चेंजेस हो गए जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल पावर कास्ट की यानी जो कास्ट का जो है पावर जो है ऑर्गेनाइज करने का ठीक है अगर हम लोग देखेंगे जो है एजुकेशन की वजह से लोगों को लिबरल माइंडेड तो बन गए उनकी जो माइंड है वसी सोचने लगे लोग बहुत सारा डेमोक्रेटिक उनको फ्री फ्रीडम के बारे में इसके बारे में वो लोग सोचने लगे इक्वालिटी के बारे में सब लोग एक है ठीक है एजुकेटेड पीपल जो है वो कंजर्वेटिव ज्यादा नहीं होते ना तो सुपर स्टेशन लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखेंगे लिटरेसी की बिना पर जो है कास्ट माइंड और जो है, जो है है कास्टिज्म कम हो गया लेकिन हर एक कास्ट जो है फिर भी ऑर्गेनाइज रखता है खुद को ठीक है ऑर्गेनाइजेशन होती हैं अगर एजुकेशनल मेडिकल रिलीजियस नीड्स मेंबर्स की सॉल्व करने के लिए क्या कर रही हॉस्टल्स होटल्स ऑर्गेनाइजेशलेजेस अपने मेंबर्स के लिए बना रही है ठीक है अपने कास्टस के लिए बना रही है ठीक है लीडरशिप जो है कुछ मेबर्स की आ, ये लोग सेव कर रहे हैं यानी अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अभी भी ये कर रहे हैं अपने कास्ट को बचाने के लिए ठीक है पोलिटिकल रोल ऑफ कास्ट यानी अगर हम लोग देखेंगे रोल जो है पोलिटिकल रोल जो है कास्ट का जो है यानी इनका जो जो हम लोग बोल सकते हैं कि कास्ट और जो है वो तो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ये करते हैं ना मतलब इफेक्ट करते हैं तो कास्ट अब क्या बन गया है यानी अब इसमें हम लोग नहीं बोल सकते कास्ट भी जो है पोलिटिक्स में आ गया है इसका जो पैर है उसमें पड़ गया है ठीक है उसका जो होल्ड बहुत ज्यादा है पोलिटिक्स में यानी इलेक्शन जो होता है वो कास्ट के हिसाब से आजकल होते सिलेक्शन कैंडिडेट्स की वोटर वोटिंग एनालिसिस वगैरह जो होता है ठीक है मिनिस्टोरियल पोर्टफोलियोज अगर हम लोग देखें कास्ट पर कम्युनिस्ट जो होते हैं जो मतलब कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी पर फॉलो करते हैं वो भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है यानी अगर हम लोग देखेंगे कि एम एन श्रीनिवास ने बोला है कि पॉलिटिक्स जो है हर एक स्टेट का वो क्या डोमिनेंट कास्ट जो होते हैं उन्हीं के कॉन्फ्रटेशन पे होता है यानी अगर हम लोग देखेंगे कास्ट को मतलब जो है एडवांटेज लिया जाता है पॉलिटिक्स खेलने के लिए रिचुअल लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे कास्ट है स्मॉलर यूनिट ठीक है पॉलिटिकल लेवल पर रिचुअल लेवल पर ये छोटा यूनिट है लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर ये बहुत ही ज्यादा बड़ा यूनिट बन गया है यानी पॉलिटिकल रोल कास्ट का बहुत ज्यादा है ठीक है उसके बाद प्रोटेक्शन होता है इन लोगों के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजन बनाए हैं कुछ उन लोगों को जो है खास जो है उनके इंटरेस्ट को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उनको ज्यादा पोलिटिकल उनको एजुकेशनल अगर हम लोग देखेंगे सियासी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन लोगों को ज्यादा ज्यादा मिलती है ठीक है रिजर्वेशन पॉलिसी सीट्स उनके लिए रिजर्व किए गए होते हैं ठीक है मंडल पंचायत में भी पार्लियामेंट तक अगर हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट जॉब्स में डिफरेंट एजुकेशन स्कॉलरशिप्स वगैरह ठीक है रिजर्वेशन पॉलिसी जो होते हैं अगर हम लोग देखेंगे कास्टलेस सोसाइटी जो है उसके अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट है लेकिन फिर भी उनको जो है बहुत

जॉब्स मिल ठीक है अगर हम लोग देखेंगे ये भी उसके बाद हो गया संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन यानी संस्कृताइजेशन की जब हम लोग बात करें दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो है कास्ट में देखे जाते हैं ठीक है, है? यानी एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर वो लोग जो है संस्कृताइजेशन में क्या होता है लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं वो जो है इनको जो है इनकी नकल करते हैं अपर कास्ट के लोगों की उनकी प्रैक्टिस की वो क्या करते हैं उनकी लाइफ स्टाइल वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं उनके वैल्यूज की ये करते हैं और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है जो होता है वेस्टर्नाइजेशन अपर कास्ट लोग जो होते हैं ऑब्वियसली वो लोग जो है वो मॉडल ऑफ वेस्टर्नर जो वेस्टर्न लोग होते हैं उन्हीं की तरह वो रहने की कोशिश करते हैं ये दो चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे ये भी इसमें भी अब हम लोग बोल सकते हैं ये एक चेंज आ गई है नए मॉडर्न ट्रेंड्स है कास्ट में ठीक है उसके बाद है बैकवर्ड क्लास मूवमेंट ठीक है यानी इसमें हम लोग बोल सकते नॉन ब्राह्मण कास्टस अगर हम लोग आज देखेंगे वो ज्यादा ज्यादा जो है वो चैलेंज करने लगे हैं ब्रह्मनस की सुप्रमेसी यानी हम पर रूल क्यों करेंगे अपने हक के लिए वो लोग करते हैं फॉर एक्जाम्पल सदिया सोदक समाज जो मैंने आपको खुद ज्योतिरा फुले का बताया पुणे में 1857 में वहां पर नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का वहां पर स्टार्ट हो गया ठीक है ब्राह्मण ब्राह्मण्स रूल क्यों करेंगे इनके खिलाफ इन्होंने जंग रखा है ठीक है, है, है की? की। बिगनिंग में अगर हम लोग देखेंगे मतलब इसलिए था कि मतलब ब्राह्मण का जो होता है एजुकेशन और जो है अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट पोस्ट और जो एजुकेशन में इनका बहुत ज्यादा मतलब ये लोग जो है चलती है वहां पर यही लोग होते हैं बस वहां पर इस सेक्टर में एजुकेशन सेक्टर में या जो है गवर्नमेंट पोस्ट में इनको ज्यादा अपॉइंटमेंट होती है वहां पर लेकिन अगर हम लोग देखेंगे अभी इतना इंपॉर्टेंट पोलिटिकल फोर्स बन गया है कि इसका जो इंफ्लुस है पूरी तरीके से पोलिटिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है पोलिटिकल पूरी तरीके से पोलिटिकल जो सियासी जो है मॉशर चेंज हो गए है इसकी वजह से इस मोमेंट ने क्या किया है पोलिटिकली इनको बहुत ही ज्यादा वीक बनाया है कि इनको ब्रह्मंस को कहाँ पर केरला तमिलनाडु में जैसे ठीक है उसने जो होता है प्रेशर जो डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज पर डाला है कि वो जो है वो स्पेशल अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लोअर कास्ट लोगों के लिए न, पैदा करें ताकि वो लोग हायर कास्ट तक पहुँचे इस प्रेशर की वजह से बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाए गए थे मतलब किस लेवल पर स्टेट सेंट्रल लेवल्स पर जो कि बोलते हैं रिजर्वेशन लोगों को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन लोगों को खास हकूक लोगों को स्पेशल स्पेशल बहुत ही खास जो है उनको मौाक़े उनको मौ, मौके फराहम करने चाहिए ताकि ये लोग भी जो है अपर कास्ट तक पहुंच सके ठीक है उसके बाद हो गया कॉम्पिटेटिव रोल ऑफ कास्ट यानी अगर हम लोग देखेंगे इंटरडिपेंडेंस आपस में कास्ट पहले से चली आ रही है ठीक है इसको जो है जजमानी सिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं एम एन श्रीनिवास ने बोला है वर्टिकल सॉलिडारिटी जो होती है क्लासेस की वो मतलब जो है सॉलिडारिटी वर्टिकली एक दूसरे के साथ सॉलिड अब हॉरिजेंटल सोलिडारिटी में हो गई यानी अगर हम लोग देखेंगे पहले जो था लिव एंड लिट लो आप जियो और आप उसको जीने दो ठीक है अब इसका कोई सेंस ही नहीं है ठीक है हर एक कास्ट जो है दूसरे कास्ट तक वो किस से देखता है उसको वो शक की नज़र से देखता है उसको वो जलसी से देखता है उसकी हसद करता है ठीक है और उसको चैलेंजर उसको एक अपना कंपिटेटर अपना दुश्मन मानता है ठीक है कास्ट माइंडेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई कास्ट पेट्रोटिज्म कास्ट के अपना कास्ट अपना कास्ट अपना कास्ट हमारा कास्ट बस अपने कास्ट के लिए जो है लोग जीते हैं तो इससे जो कंपटीशन बहुत बढ़ गया का, और अगर हम लोग देखेंगे इसका जो होल्ड है पूरी तरीके से अगर हम लोग पोलिटिकल पावर में इसने जो जो पूरी तरीके से इसकी जो इसकी डिटर्म की जो है की है तो ये जो कॉम्पिटिटिव स्प्रिट है इसकी वजह से जो है कॉम्पिटिशन हो गया है डिफरेंट कास्ट एक कास्ट का वो लोग क्या मैंने बोला दूसरे कास्ट को शक की नजर से देख रहे हैं आपस में दुश्मनी है आपस में कॉन्फ्लिक्ट है आपस में जो है चैलेंज है कॉम्पिटेट

प्यार कास्ट माइंडेडनेस ठीक है पूरी तरीके से कास्ट के साथ रहना ठीक है अगर हम लोग देखेंगे ये जो है इसमें जो है ये जो चेंजेस आ गई है कास्ट के रोल में ठीक है तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं क्या किए गए हैं इनको मतलब कास्ट के कई रोल लॉयल्टी लॉयल बनने के लिए कास्ट के साथ ये करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्टे जाए जैसे कास्ट पंचायत अगर कम हो रहे हैं लेकिन कास्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रही है कास्ट ऑर्गेनाइजेशन वो लोग अपने कास्ट के लोगों को इकट्ठे रखते हैं ठीक है ऑक्यूपेशनल कास्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं किस लिए ताकि इकोनॉमिक कंडीशन अपने मेम्बर्स की उनको कॉपरेशन उनमें लाना ठीक है उसके लिए ठीक है कास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करते हैं सब्सक्रिप्शन

इंफॉर्मेशन जो है मेंबर्स के दिमाग में डालते हैं कि कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है कास्ट मेंबर्स का काम कैसे आपस में सोलिडरिटी रखते हैं को डिस्कस किया जाता है ठीक है एस्टेब्लिश किया जाता है कास्ट बेसड ट्रस्ट ट्रस्ट यूनिट्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि और बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशन अपने जो है उनका जो है इकतदी हालात तो उनकी जो है पैसे पैसों के लिहाज से उनकी प्रोग्रेस के लिए जो है बहुत सारे जो है ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यपेशन कास्ट जो है वो काम कर रहे हैं ठीक है एस्टेब्लिश कर

स्टेटस एक ऐसा लीगल सिस्टम आ गया इंडिया में या ऐसा लीगल सिस्टम आ गया या ब्रिटिशर्स ने जो पहला बनाया कि सारे मैन जो है ऑल मैन आर इक्वल बिफोर लॉ बहुत सारे जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया ठीक है कास्ट सिस्टम ही हिल गया इंडिपेंडेंट जो है उसके बाद इंडिया हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इक्वालिटी जो होती है सबको दी ठीक है अनटचबिलिटी जो है उसको पूरी तरीके से अनलॉफुल कंसिडर किया दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आर्टिकल्स आर्टिकल आर्टिकल 16, आर्टिकल वन हंड्रेड सिक्स टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री हंड थर्टी टू

ठीक है फिफ्थ सिक्सथ शेड्यूल इसमें बहुत सारे प्रेविलेज़ दिए जाते हैं बहुत सारे जो है उन लोगों को बेनिफिट्स दिए जाते हैं ठीक है किन को शेडूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब्स को ताकि वो लोग जो है अपर कास्ट तक पहुंच सके ठीक है ये कॉज है इनमें चेंज आ गया और अगर हम लोग देखेंगे मॉडर्न एजुकेशन की वजह से भी एजुकेशन में भी हम लोग सेक्युलर पढ़ते इक्वालिटी पढ़ते हैं सब लोग एक समान है ठीक है ये जो होते हैं लो कास्ट के लोग भी जो होते हैं उन लोगों को भी सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जब ये लो कास्ट का पढ़ेगा ना तो ऑब्वियसली वो जो है वो रिवोल्ट करेगा अगेंस्ट द हाई क्लास पीपल के वो लोग जो है सुपरमैसी क्यों दिखाते वो क्यों हम पर रूल करते हैं हम सब तो इक्वल है मॉडर्न एजुकेशन जो है उसमें जो अपर कास्ट की जो मोनोपोली है वो बस खत्म होने को हो, हुई हो, हो है ठीक है अगर हम लोग देखेंगे अवेयरनेस लोगों के बीच में आ गए और वो जो है अपने मेम्बर्स का तो जो है उनको ऊंचा रखने की कोशिश करा है उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने बताया अर्बनाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन जो हो गया इसकी वजह से भी चेंज हो गए मॉडर्न ट्रांसपोर्ट आ गया कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया ट्रेन बसेस एरोप्लेन्स ट्रक्स वगैरह हो गए तो मूवमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह होने लगी लोगों की मेटीरियल्स की ठीक है रूल्स जो थे प्योरिटी पोल्यूशन वो सब कुछ खत्म है क्योंकि लोग वहाँ से यहाँ यहाँ से आने जहाँ लागने लगने मतलब न्यूज़पेपर पोस्ट टेलीग्राफ जो थे इस सबसे भी बहुत सारी चेंजेस आ गई तो ये जो है इन्फ्लुएंस हो गया मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल और एस्टमेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी मैंने आपको बताया कि फ्रीडम स्ट्रगल जो हो गया उसमें भी बहुत सारे लोग डिफरेंट कास्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट कास्ट चाहे अपर कास्ट चाहे लोअर कास्ट ये लोग जो इकट्ठे आने लगे ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जो है इंडिया की आज़ादी के लिए उन्होंने जंग लड़ा तो वहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे उनका कॉमन काज था फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स ठीक है वहाँ पर भी उन लोगों को एटैब्लिश हो गया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बन गई उसकी वजह से कास्ट को जो है ज्यादा ही नुकसान पहुंच गया और उसके बाद सबको जो है सोशल इकोनॉमिक सेम अपॉर्चुनिटी सेम मौके फाहम किए जाते थे कोई डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में फर्क नहीं की जाती उसके बाद नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो मैंने आपको बताया कि ज्योतिराव फूले ने ठीक है स्टार्ट किया था सदैव शोधक मूवमेंट एटीन सेवेंटी थ्री में जो अगर हम लोग देखेंगे इसने अवेयरनेस लोअर कास्ट के लोगों के बीच में लगा कि हमारा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है हमें भी सेल्फ रेस्पेक्ट मिलना चाहिए ये जो मूवमेंट है जो बहुत ही बड़ा पोलिटिकल फोर्स बन गया इसे प्रेशर गवर्नमेंट को रख रखा कि जो है जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है उनको स्टेट जो है सेंट्रल लेवल्स पर बनाया गया ठीक है और कमीशन्स ने जो बनाया उसके बाद बहुत सारे जो लोअर कास्ट के लोग जो है अब अप तक अपर कास्ट तक पहुँचने रहे ज्योतिराव कौन था इसका नाम ज्योतिराव राव फूले ठीक है ज्योतिराव फूले जिन इनका नाम है और इन्होंने कौन सा किया था हमें मैंने आपको बताया इन्होंने किया था सत्या शोधक समाज और यह समाज किसने किया था फाउंड hmm, स्वामी दयानंद ने ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने प्रार्थना समाज जो है जस्टिस रनाडे ने रामाकृष्ण में स्वामी विवेकानंद इस तरीके एनाबिजेंट का भी एनिबिजेंट का भी थियोसो थियोसोफिकल सोसाइटी था ठीक है तो ये जो है डिफरेंट जो है मूवमेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए जिसकी वजह से जो है चेंजेस आ गए तो अगर हम लोग देखेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट काजेज जैसे इम्पैक्ट वेस्ट का आ गया ठीक है या अगर हम लोग स्टेटस ऑफ वूमेन में भी चेंज आ गए नया सोशल क्लास जो है स्टार्ट हो गया वर्किंग क्लास मिडिल क्लास बीच में कुछ क्लास स्टार्ट हो गया ठीक है वो कैपिटलिस्ट क्लास स्टार्ट हो गए इस तरीके से इम्पैक्ट हो गया वेस्ट का सोशल लजस्लेशन डिफरेंट हो गए ठीक है जैसे मैंने आपको बोला हिंदू मैरिज एक्ट अनटचचेबिलिटी ऑफेंसिस एक्ट हो गए ठीक है कास्ट डिसबिलिटीज रिमूल एक्ट एटीन ठीक है तो बहुत सारे जो है ये एक्ट हो गए जिसके लजस्लेश जो है गवर्नमेंट ने पास किए कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए चाहे ब्रिटिशर्स ने फिर इंडियन गवर्नमेंट ने किए उसकी वजह से भी जो है पूरी तरीके से नेचर इसका चेंज हो गया ठीक है और कन्वर्जन था लोगों को सोशल मतलब चीज़ों पर रुकावट थी, लोग थी वो लो, क्या हो गया? उन लोगों को लगा नहीं जी क्रिस्टैनिटी या इस्लाम में तो ऐसा कुछ कास्ट है, ही किया जाता है तो उन्होंने जो है, चे, चे, चेंज करने की कोशिश की क्या अपने मजहब की को चेंज करने की कोशिश की तो इस वजह से क्या हो गया जो मतलब जो है कास्ट मतलब जो लोग थे उन्होंने बोला नहीं जी ये लोग तो फिर चेंज करेंगे मजहब ये तो हिंदू रिलीजन से ही बाहर हो जाएंगे तो अपर ने उन्होंने बहुत सारी जो रिजिडिटीज को कम करने की कोशिश की स्ट्रिक्टनेस जो था लोगों के लिए जो है, जो है सोशल डिसेबिलिटी उनको रिलैक्स करने की कोशिश की ताकि लोअर कास्ट पीपल जो है वो वापस से हिंदू रिलीजन में आए और वो लोग चेंज ना हो जाए वो अपना रिलीजन चेंज ना करे और अगर हम लोग वेस्टर्न का मैंने क्या बोला नेशनलिज्म जो रैशनलिज्म है है सब जो इजालिटेरिज्म है यानी कि जो इक्वालिटी है लिबरलिज्म सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए इससे एजुकेटेड इंडियन जो है इंडिया में जो जिन्होंने हासिल की जिन्होंने वेस्ट मतलब एजुकेट किया खुद को वो

जिनके पास मतलब जो ओनर्स थे मीनस ऑफ प्रोडक्शन थे फैक्ट्रीज के ओनर्स वगैरह और उसके बाद दूसरे थे जो मतलब उनके अंडर काम करते थे वर्कर्स तो वहां पर मैंने आपको बोला था थावस को हम लोग बोलते हैं प्रोलिट्रेट्स और हैव नॉट्स को बर्जियोस ठीक है लेकिन वो मुझे थोड़ा मिसकम्युनिकेट हो गया था ठीक तो है तो हैवज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बर्जियोस और जो हैव नोट्स उनको हम लोग बोलते हैं प्रोलिट्रेट्स ठीक है जो कि क्लास सिस्टम है क्लासेज में डिफरेंट क्लासेस में जो है बोला था कार्ल मार्क्स ने डिवाइड होते हैं लोग ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स ठीक है ये हम लोग जो है आगे क्लास आने वाला है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया में नेक्स्ट लेक्चर में वो हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ओके थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से और इनका लिंक जो है प्रोवाइड किया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो है इनका पी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वारीस काइंडली कमेंट एंड थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू